गुड मॉर्निंग जैन साहब, बताएं आज का जैन स्टॉक। स्क्रीन पे है अवध शुगर्स, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है और सबसे बढ़िया बात है के बिरला रिलेटेड कंपनी मान लीजिए आप। और अवध शुगर्स, पहले मेरे को ध्यान है कि शायद अवध शुगर्स अपनी टीम में से भी दिया गया है शायद SIP में, और मगध अवध ये सब पुराने प्रोविंसेस हुआ करते थे और एक ही मतलब रिलेटेड कंपनीज है। तो अवध शुगर एक देखिए शुगर में तो है और शुगर में ओवरऑल देखिए एक बहुत ज़बरदस्त माहौल चल रहा है और जिस तरीके से इथेनॉल की जो स्टोरी है वो बहुत ज़बरदस्त होगी और मुझे लगता है कि अब एक कमोडिटी एक इंडस्ट्री की वजह एक ये रीस्ट्रक्चरल चेंज आया पूरा इंडस्ट्री में और मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया माहौल आगे और बनने वाला है जिस तरीके से क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं और जिस तरीके से मेथनॉल की मिक्सिंग को लेकर भी सरकार और ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है और कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेप्स इस इंडस्ट्री के लिए रेगुलरली लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री ऑलवेज एक स्वीट स्पॉट पर रहेगी और जो पास्ट में जो शुगर स्टॉक्स को लेकर एक वो रहता था डेट्स और ये सब, तो अब ये आने वाले सालों में मुझे लगता है कि यहाँ पे डेट्स वगैरह और रिड्यूस होंगे। हालांकि जो मैं स्टॉक्स लाता हूँ जेम्स में जनरली डेट्स नहीं होते, उन्हीं कंपनीज को ज्यादा कवर करता हूँ, बट चूंकि शुगर स्टॉक है, टेक्सटाइल स्टॉक्स है, कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहां पे डेट्स के साथ ही काम होता है, बैलेंस शीट में जनरली रहते हैं। बट यस, मुझे जो अच्छी चीजें लगी है बुक वैल्यू के आसपास चल रहा है, दैट लुक्स वेरी गुड। डिविडेंड यील्ड 1.29, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड है और मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा इस कंपनी की। ये अपर गंजेज और ओध शुगर मिल्स जो 1932 में स्टार्ट हुई थी, उन दोनों कंपनियों को मर्ज करके 2015 में ये अवध शुगर एंड एनर्जी बोल के एक कंपनी आई है और ये मिसेज नंदिनी नोपानी जो कि मिस्टर के बिरला जो कि चंबल ग्रुप और चंबल फर्टिलाइजर और ये सब जो कंपनियां चलाते हैं सतलेज इंडस्ट्रीज उनकी डॉटर है, तो उसके मतलब कहीं ना कहीं सक्सेशन प्लान में ये कंपनी आई थी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस तरीके की ग्रोथ पिछले 5 साल में कंपनी ने दिखाई, अगर आप प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 500% की लगभग पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 17%, तो फंडामेंटल्स काफी इंप्रूव हो रहे हैं और मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है कि शुगर स्टॉक्स में बहुत ज्यादा डाउनसाइड है नहीं और इन स्टॉक्स को ले मैं रेटिंग्स वगैरह देख रहा था सब बढ़िया है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आराम से 390 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जाए, 390 से 410 तक के टारगेट्स के लिए। 390-410 ये है अवध शुगर के टारगेट, वो जैसे अगर मगर होता है वैसे अवध मगध होता है, अवध शुगर मगध शुगर, वैसे दोनों ही स्टॉक का और मगध शुगर हमारे SIP स्टॉक में रहा है। लगभग सारे स्टॉक्स ये ऐसे हैं जो बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखे और अवध शुगर में भी बड़ी तेजी बनती हुई दिखी है और बहुत ही बढ़िया एक्शन हुआ है, मगध शुगर में भी बढ़िया एक्शन होता हुआ दिखा, तो ये सारे के सारे शुगर स्टॉक्स है यहाँ पर आपको एक्शन में आते हुए दिखे 390-410 के टारगेट के लिए। जैन साहब कुछ कह रहे हैं, जी जैन साहब बताएं। हाँ, मतलब मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये स्टॉक पहले जो हाइज दिखाया हुआ 640 के हाइज दिखाया हुआ है, तो अभी भी बहुत स्कोप बाकी है, काफी नीचे है, तो बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए इन लेवल्स पे और आराम से अच्छे रिटर्न्स देगा। ओके, तो ये आपके लिए एक अवध शुगर, एक बार इसके चार्ट पे भी राय ले लें अवध शुगर के चार्ट पे। शुभम जी जरा अवध शुगर इसके चार्ट देखिए और बताइए अपनी राय 350 के आसपास।